एडीजी ट्रैफिक अनुपम कुलश्रेष्ठ ने बुधवार को नगर निगम स्थित आईटीएमएस कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस अवसर पर एडीजी ट्रैफिक अनुपम कुलश्रेष्ठ ने कहा कि जनपद के सभी चौराहों का निरीक्षण किया गया है, ट्रैफिक सुचारू रूप से संचालित हो रहा है, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर अभी भी भीड़ लग जाती है, वहां पर थोड़े से कार्य करने की आवश्यकता है। इसके अलावा आईटीएमएस बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है, इस जनपद में होने वाले अपराध पर भी लगाम लग रहा है। सभी वाहनों का चालान चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से किया जा रहा है। जो लोग जनपद में बिना हेलमेट तीन सवारी बैठा कर वाहन चला रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। लोगों को पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है, जो कि सराहनीय प्रयास है। लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति ट्रैफिक सिग्नल से अपने वाहन को आगे बढ़ाता है तो कैमरे के माध्यम से उसको आगाह किया जाता है। यदि वह व्यक्ति नहीं मानता है तो उसके बाद ही चालान किया जाता है, जिसकी वजह से गोरखपुर ट्रैफिक सिस्टम बहुत कारगर साबित हो रहा है, जो कि 13 चौराहों पर संचालित हो रहा है। इस अवसर पर एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी ट्रैफिक अनुपम कुलश्रेष्ठ ने कहा, अभी जो हमारे लोग कोऑर्डिनेटर इंजन सर गए फॉर प्रोग्राम 29 बिफोर, बिकॉज सीएम सर इनोग्रेट ऑलरेडी इनोग्रेट दिस सिस्टम, लेके मैन इनोग्रेट फर्स्ट फेज, आफ्टर दैट वी फिनिश आवर सेकंड फेज इन द मई 2022। सो वी गो फॉर द नेक्स्ट, वी हैव मींस आप देख रही मैम, वी आई कैन ईज आप दे या जो मिल सकता है, एंड वी आर ऑलरेडी यूजिंग दैट वीडियोस वगैरह इस पे डाल रहे हैं। या जो ट्रैफिक से जितने भी इंस्ट्रक्शन जाते हैं हमें अभी, तो हम उसको थ्रो करते हैं, जैसे जो भी आया, जो भी अभी जैसे पिछली बार आता है, तो जो भी मैम सिटीज वाईफाई अब बेसिकली पब्लिक के लिए फ्री वाईफाई के लिए था, तो जैसे गोरखनाथ मंदिर, रामगढ़ ताल और यहाँ के लिए डेटा सेंटर है मैम, और जो सारा जो सॉफ्टवेयर है दे हैड डिप्लॉयड ऑन क्लाउड। तो उसका स्कोप ऑफ वर्क, हाउ मच फंक्शनैलिटी हैव यू अचीव्ड? ऑल 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 एक्सेप्ट फॉर द सिटी वाईफाई। यस सिटी वी हैव इंस्टॉल्ड, वी हैव टेस्टेड आल्सो, वी कैन वर्क वहां पे मैं जिनका भी से कोई सामान गुम हो जाता है, जैसे ऑटोस में जा रहे हैं, सिस्टम कुड नॉट गेट द डेटा, तो डेटा नहीं आ पाता, उसकी वजह से फेलियर हमें ये मिल पा रहे हैं कि जो भी हमें टाइमिंग हमने डाल रहे हैं समटाइम दे विल मिसमैच, और ये हैम्पर होने की वजह से समटाइम्स वो टाइमिंग्स गड़बड़ जाती है। क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर और किस तरह से हम उसमें सुधार कर सकते हैं? पर यहाँ पर मैंने कई पॉइंट्स देखे, यातायात चौराहा देखा और गोरखनाथ मंदिर की तरफ देखा और कलेक्ट्रेट की तरफ देखा, गोलघर में देखा, लगभग पूरा शहर घूम के भ्रमण करके देख लिया। अभी जो वर्तमान व्यवस्था है काफ़ी हद तक की अच्छी है और काफ़ी सुचारू रूप से चल रही है। कुछ एरियाज हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत इंक्रोचमेंट है, तो उस पर भी मेरे ख्याल से कार्रवाई हो रही है। और काफ़ी जो हमने आईटीएमएस का सिस्टम देखा है, यहाँ का आईटीएमएस का सिस्टम भी बहुत तगड़ा है, और यहाँ पे रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन का काम पूरी तरह से हो रहा है। ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम है, जिससे हम कई सारे क्राइम्स को भी डिटेक्ट कर पा रहे हैं, और यहाँ पे जो क्राइम डिटेक्शन का काम आईटीएमएस के थ्रू हुआ है वो भी बहुत सराहनीय है। और इसके अलावा जो हेलमेट, बिना हेलमेट की राइडिंग है या ट्रिपल राइडिंग है, उस पर भी कार्रवाई हो रही है। और जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है वो बहुत तगड़ा है गोरखपुर में, क्योंकि मैं जैसे ही गोरखपुर में एंटर हुई तो पब्लिक एड्रेस सिस्टम मुझे हर चौराहे पे सुनने को मिला, और बकायदा वो नंबर प्लेट पढ़ के उनको शिक्षित भी कर रहे हैं कि साहब रेड लाइट अब हो गई है तो आप रुकिए, स्टॉप लाइन से पीछे रहिए, और फिर यदि वो नहीं मान रहे तो फिर चालान भी कर रहे हैं। तो एक उनको एक शिक्षण का भी मौका दे रहे हैं, और उनको फिर नहीं सुनने पर चालान तो फिर आवश्यक हो ही जाता है। तो ऐसा नहीं है कि एकदम कूद के हम चालान कर दे रहे हैं, पर उनको पब्लिक को एजुकेट करने की भी भरसक प्रयास हो रहा है।
और इस तो ये पब्लिक एड्रेस सिस्टम मैं समझती हूँ यहाँ पे, मैंने और भी शहरों में देखा है, यहाँ का काफ़ी कारगर है और ऑलमोस्ट 13 पॉइंट्स पर ये ऑलरेडी प्रचलित है, तो इससे जो व्यवस्था है काफ़ी मजबूत हो जाती है। एंड कुछ इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको हम चाहेंगे, जैसे स्टोरेज की रिक्वायरमेंट्स हैं ये वो, उनको हम चाहेंगे कि हम किसी तरह से आगे पूर्ति कर सकें, तो इसके लिए जो सक्षम अधिकारी हैं उन तक ये बात हम लेके जाएंगे और आशा है कि उसमें जो आवश्यक गुणवत्ता नहीं, आवश्यक अपग्रेडेशन चाहिए हमको स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो संभव हो सकेगा। बाकी जो हमारे ट्रैफिक के नियम हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसके संबंध में हम और जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, हमारा कार्य योजना है यातायात की, जो हमारे ट्रैफिक पुलिस को हमारे निर्देश गए हैं उनका क्रियान्वयन है, इस संबंध में हम कल सवेरे चर्चा करेंगे। ट्रैफिक पुलिस लाइन्स का भी भ्रमण करेंगे, ट्रैफिक के जो उपकरण हैं उन पर भी हम नज़र डालेंगे और किस तरह से हम इनको और सुदृढ़ और सशक्त कर सकें, इन सभी पर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे।